पर कई सारे जो है रिसर्च भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आम जो है मशहूर है देश भर में, लेकिन राजस्थान के कोटा में जिस तरह से किसान जो है श्री कृष्ण जी ने जो कमाल किया है, वो देश ही नहीं दुनिया भर में इनके इनोवेशन को, इनके आविष्कार को, या यूँ कहें इनके द्वारा ईजाद की गई पद्धति को सराहा जा रहा है, और दुनिया भर में जो है इनके द्वारा तैयार की गई ग्राफ्टिंग के पौधे अब पहुँच रहे हैं। इन्होंने जो एक सदाबहार आम की एक नस्ल जो है वो तैयार की है, और जिसको करीब 8 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद में ये जो सफल प्रयोग है ये देखने को मिल रहा है। और लगातार ये करीब 20 साल से जो है आम की खेती कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सदाबहार आम ईजाद हुआ, सदाबहार आम जो है आया, उसके बाद जो है यहाँ की कोटा की जो आम की बात है वो आम की बात आम नहीं रही, खास हो गई। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ किस तरह की ये किस्म है और कैसे इसको तैयार किया गया है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये बता रहे हैं कि इस तरह का जो आम है और एक ही पौधे पर जो फूल और आम एक साथ नज़र आ रहे हैं वो भी अपना आप में एक अलग वो है जी। श्री कृष्ण जी, किस तरह से इसको तैयार किया गया और ये अलग अनूठा जो है नज़र आ रहा है एक ही पौधे? सर, मैं श्री किशन सुमन, ग्राम गिरधरपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये जो मैंने सदाबहार आम की वैरायटी तैयार की है, इसके लिए बहुत समय लगा, और इसको जो प्रयोग करते करते ये ऐसा हो गया, जो एक ही पौधे पे बड़े फल भी होते हैं, छोटे फल होते हैं, फ्लावरिंग भी होती रहती है, ऐसा पूरा साल भर चलता रहता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यही है, एडजस्टेबल वैरायटी है। जब अपन को चाहिए इसका फ्लावरिंग हटा दो, जब चाहिए जब छोड़ दो, जब नीचे हटा दो, तो सर्दी बरसात गर्मी हर सीज़न में इस पर फल मिलेंगे, लगे हुए मिलेंगे आपको। सबसे बड़ी विशेषता यही है। तो कैसे ये आइडिया दिमाग में आया और कितनी मेहनत इसमें लगी, कितनी बार आपका प्रयोग फेल हुआ, सफलता कब मिली? हाँ सर, मैं BSN कंप्लीट हूँ, और पढ़ाई छोड़ने के बाद खेती करने का नंबर आया परिवार में बड़ा होने के नाते। तो उसमें जब खेती करना शुरू किया तो जैसे घर वाले खेती करते थे परंपरागत खेतियाँ, चावल लगाना, गेहूँ लगाना, उसमें एक तो कीड़े बीमारी बहुत लगते थे, और इनकम भी जैसे छः महीने तक फसल को पालो, उसको बारिश से बचाओ, प्राकृतिक से बचाओ, मार्केट में ले जाओ, उस दिन जो रेट होता था उसमें बेच के आना पड़ता था, उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मैं चाहता था खेती करें तो ऐसी करें जिसमें एक तो डेली इनकम हो और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान नहीं के बराबर हो या नहीं हो, ये सोच के मैंने खेती करना शुरू किया। तो मैंने वो चावल गेहूँ को छोड़ा, उसके बाद सब्जियों की खेती करना शुरू किया। सब्जी में इनकम तो डेली होने लग गई और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी नहीं था। हाँ, तो उससे अब सब्जी में इनकम भी होने लग गई और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी नहीं था, तो मेरे को लगा कि भाई कुछ हद तक सही कर रहे हैं। पर उसमें क्या दिक्कत रही, उसमें जो कीड़े बीमारी बहुत लगते थे, उसमें दवाइयाँ डाली जाती थी, वो समाज के हित में नहीं थी, तो वहाँ से भी मन विचलित हो गया कि अपन जो कर रहे हैं समाज के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, पर करना खेती है। फिर सोचा तो क्या करें, तो मैंने फूलों की खेती करना शुरू किया। फूलों में कीड़े बीमारी भी बहुत कम लगते हैं, उसको कोई समाज के लोग खाते भी नहीं, फूल पूजा इनमें काम आता है, तो उससे इनकम भी डेली हुई और जो प्राकृतिक प्रकोप नुकसान था वो बिल्कुल भी नहीं था। उसी में मैंने एक और प्रयोग किया, जो देसी गुलाब लगाई उस पर ग्राफ्टिंग करके एक ही पौधे पर 7-7 रंग के फूल खिला दिए, तो उससे मन में उत्साह हुआ कि अपन आगे भी कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि आगे अपन को किस पे काम करना चाहिए, तो मेरे दिमाग में काम आइडिया आया कि भाई आम पे काम करना चाहिए। आम पे क्यों काम करना चाहिए, आम की पुरानी जो वेराइटियाँ थी उसमें ये था, एक साल फल आता था, एक साल फल नहीं आता था, जबकि किसान का खर्चा बराबर होता था। तो मैंने जब भी सोचा, किसान के हित में सोचा, समाज के हित में सोचा, और मैंने आम पे काम करना शुरू किया। आम के पौधे इधर उधर से छोटे देसी पौधे लाया, गुठलियाँ लाया, बीज लाया, उनको उगाया, तो उनसे ऐसे प्रयोग करते करते इत्तेफाक से एक पौधे में सर्दी में फ्लावरिंग हो गई, फूल आ गया, मतलब बोर आ गया, उसको मैंने अलग किया, उससे पालन पोषण करके ग्राफ्टिंग किया, ग्राफ्टिंग करके मैंने पौधे बनाए, तो उसमें ऐसे गुण आ गए जो साल में 3 बार फल देना शुरू कर दिया उन्होंने, 3 बार फ्लावरिंग हुई, फल सेट हुए, फल पके, उन्हीं से फिर मैंने पौधे तैयार कर करके आगे इसको और बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते ये स्थिति आ गई। इसको जब मैंने आगे अपना लखनऊ में आम का रिसर्च सेंटर है वहाँ के वैज्ञानिकों को दिखाया, मैंने कहा भाई मेरे पास ऐसी वैरायटी है, आपके पास तो बहुत सारी वैरायटी हैं, तो कहीं इधर उधर से मेरे पास ये वैरायटी नहीं आ गई, इसका कंफर्म करने के लिए मैंने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा अभी तक ऐसी कोई वैरायटी नहीं है और बहुत अच्छी वैरायटी, इस पर आगे भी काम करो। तो मैंने उसके बाद फिर NIF में संपर्क किया, NIF वालों ने इसको राष्ट्रपति भवन तक पहुँचाया,
वहाँ पे हमारा एग्जीबिशन लगा। राष्ट्रपति जी से भी सम्मानित हुई ये वैरायटी 2017 में तो प्रणब मुखर्जी से, और अभी 2023 में द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मेरे को ये अवार्ड मिला इस पर। और तब से राष्ट्रपति भवन में भी लगाए गए हैं ये, राष्ट्रपति भवन में 4 पौधे लगे हैं। प्रणब मुखर्जी के टाइम पे उन्होंने जब हमारी एग्जीबिशन लग रही थी तो उनको उन्होंने देखा सर है, और 4 पौधे वहाँ पे अमृत गार्डन में लगाए। तो ये जो किस्म आपने तैयार की है उसके बाद में लगातार इसकी डिमांड आती है आपके पास, आप पौधे लेने? इसकी डिमांड अपने हमारे कोटा ज़िले में, पूरे भारत में तो है ही, भारत से बाहर हमने अमेरिका, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी दिया, और पौधे लेने के लिए तो पाकिस्तान से भी आए थे। अच्छा। हाँ, पर पाकिस्तान वालों को बोला हमने भाई पहले रिश्तों में मिठास लाइए, तभी जाके सदाबहार आम खाने को मिलेगा आपको, जब भी पौधे दे पाएंगे। तो हमने उनको बेरंग वापस लौटा दिया। तो ये सदाबहार नाम कैसे मन में आया, कैसे इसका नाम आपने सदाबहार? हाँ, सदाबहार हमने इसका नाम ऐसे रखा भाई, ये पूरे साल भर फल देता है, सदा ही इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता रहता है, इसको देख के हमने इसका नाम सदाबहार दिया सर। ऐसे फल लगते हैं बच्चों में, ये गमले में ही है। सबसे बड़ी बात है इस वैरायटी को टेरेस गार्डन में, गमले में या अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे कहीं भी लगाया जा सकता है, सबके लिए सूटेबल है वैरायटी। क्या हाइट रहेगी इसके पौधे की? पौधा अगर गमले में लगाते हैं तो 7-8 फीट जाता है, ज़मीन पर लगाएंगे तो 15 से 18 फीट इसकी हाइट जाती है। इसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर लगाएं तो बहुत अच्छा रहता है। और कितने फल देता है एक पौधा? एक पौधा 180 किलो से 200 किलो तक फल देता है पूरे साल भर में सर। कैसे केयर करते हैं आप ये सब पूरी चीज़ों की? इसको हम ऑर्गेनिक रखते हैं, इसमें गोबर की खाद डालते हैं, जीवामृत डालते हैं, केमिकल नहीं करते हैं। जो जैविक है उससे भी बहुत अच्छा है, इस पर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। 8 साल तक के एक्सपेरिमेंट के बाद ये फल सामने आया है, लेकिन श्री किशन का जज्बा भी काबिले तारीफ है। कुछ करने का जज्बा रखते श्री किशन सुमन को इसके लिए कई ऑफर मिले, लेकिन किसान भाइयों के लिए उन्होंने अपना जज्बा कभी कम नहीं होने दिया। 2018 में पाकिस्तान से भी पौधे की डिमांड आई थी, लेकिन सुमन ने ये कहकर इनकार कर दिया कि पहले रिश्तों में मिठास लाएं, फिर सदाबहार आम खाने को मिलेगा। आम की बात करें तो आम भी आप, क्योंकि अब आम यहाँ पर जब तैयार होते होंगे तो वो बाहर भी जाते होंगे, इंडिया में और दूसरी जगह भी जाते? हाँ सर, भारत में ही बेचते हैं हम, अभी बाहर का तो हमारे पास वो लाइसेंस वगैरह नहीं है, पर पौधे जो अमेरिका में तक भी गए वहाँ से लोग आके लेके गए हैं। और पौधे तो अफ्रीका से 1 लाख पौधे का ऑर्डर भी मिला था हमको, पर वो यही कारण उसको कैसे भेजें क्या करें, तो हमारे पास वो सर्टिफिकेशन नहीं है उसका भेजने का, इसलिए हमने वो ऑर्डर छोड़ना पड़ा, नहीं तो 1 लाख पौधे का ऑर्डर अफ्रीका से मिला था हमको। तो अब जो है और प्रमोट करने की ज़रूरत है आपकी, इस किस्म को लगता है आपको सरकार भी इसमें वो करे? ये वही है, मेरे पास एक तो ज़मीन का अभाव है, अगर ज़मीन हो तो मैं इसको और आगे तक बढ़ाया जाए। लोगों को इसका रेट थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो मैं अगर ज़्यादा बल्क में बनाऊंगा तो इसका रेट कम हो जाए, और किसानों के हित में मैं अगर मेरे को सरकार मदद करती है या इसमें आगे कोई पहल करती है सरकार, मेरे को आर्थिक मदद करती है, तो 1700 में मेरा पौधा बिक रहा है भी, मैं उसको 500 रुपये में किसानों के लिए देने के लिए तैयार हूँ सर। तो ये जो सदाबहार किस्म का आम है, ये दूसरे आमों से क्या इसमें अलग विशेषता है और क्या इसके फ़ायदे हैं? हाँ जी, सदाबहार आम की विशेषता ये है, पौधा लगाने के दूसरे साल से फल आना शुरू हो जाता है, और उसको 1-2 साल फल नहीं लेके उसको थोड़ा फ्लावरिंग हटा देंगे तो पौधा थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। उसके बाद इसमें हर मौसम में एक ही पौधे पे 3 बार फल आएंगे, एक साल में एक ही पौधे पे बड़ा फल होगा, छोटा फल होगा, और फ्लावरिंग होता रहता है, ये सब पूरा साल भर चलता रहता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और जब अपन को नीचे इसकी फ्लावरिंग हटा दो, जब चाहिए फ्लावरिंग छोड़ दो, एडजस्टेबल वेराइटी है, कभी भी इसको लिया जा सकता है। तो लगातार, क्योंकि आपने जब शुरुआत की होगी तब कम संख्या में पौधे तैयार हुए होंगे, लेकिन अब जब डिमांड आ रही है आपके पास में, तो कितना आपकी, अगर हम बात करें कि, क्योंकि आपने डिफरेंट तरह का काम शुरू किया, अलग तरह का एक ये वो किया है, तो काम जो है, मतलब आपकी कमाई जो है वो कितनी हो रही है, किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, किसानों के लिए कहना चाहूँगा, जो राष्ट्रपति ये सॉरी प्रधानमंत्री जी का जो चाहते हैं वो किसानों की आय दुगनी हो, तो हमने तो जैसे पुरानी वैरायटियाँ थी वो 2 साल में 1 बार फल देती थी, हमने ऐसी वैरायटी बनाई जो साल में 3 बार फल देती, तो हमने तो इसको 3 गुना बढ़ा दिया। अब किसानों के लिए जो है, इसको अगर लगाते हैं तो बहुत उनको साल में 3 बार फल मिलेगा, तो 3 गुना उनकी आय बढ़ जाएगी। और जो है इसका जो बहुत अच्छी वैरायटी है, सब पसंद कर रहे हैं, अभी तक हमने बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी इनको टेस्ट करवाया, सब ने टेस्ट कराया, इसका जो TSS वगैरह है 16 है,
और स्वाद में आपको आम से मिलता जुलता है, इसलिए सब पसंद कर रहे हैं इसको। यूपी में भी जो है कई तरह के आम की जो है किस्में तैयार होती हैं, नए नए वो भी किस्में तैयार करते हैं, तो क्या क्या अलग है सदाबहार आम की खासियत दूसरे आमों के मुकाबले? हाँ, दूसरी वेराइटियाँ जो है अभी तक जो वेराइटियाँ हैं वो या तो साल में एक बार फल देती है या दो साल में एक बार फल देती है। सदाबहार एक साल में तीन बार फल देती है, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज या इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है, इसमें जो है फल गुच्छों में लगते हैं और फल में जो बीज है वो छोटा है, गुदा ज़्यादा है, रेशे बिल्कुल भी नहीं है और पकने के बाद पीला हो जाता है, अंदर से काटते हैं तो केसरिया कलर होता है। ऐसी अभी तक ऐसी कोई वैरायटी नहीं जिसमें ऐसे गुण मिलते हों। ग्राफ्टिंग की मदद से तैयार ये पौधे आज किसान को अच्छी कमाई करके दे रहे हैं। आम का पौधा तीसरे साल में फल देना शुरू कर देता है और पाँच साल बाद यही पौधा साल भर में 50 किलो आम देता है। यही वजह है कि 12 माह आम देने वाली किस्म राष्ट्रपति भवन की शोभा भी बढ़ा रही है। और इसका आविष्कार करने वाले किसान श्री किशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी सम्मानित हुए हैं। इनके जो आम है उसके गुण भी अलग है और अब ये मदर प्लांट की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये जो है ये मदर प्लांट वाला एरिया है, तो यहाँ पर से यहीं से जो है शुरुआत जब आपने की होगी यहाँ पर ग्राफ्टिंग की, तब इन्हीं यहाँ यहीं से की होगी, तो ये इस तरह से जो है देखिए आप यहाँ पर इन्होंने किस तरह से यहाँ पर ये ग्राफ्टिंग की हुई है, इसके बारे में बताएं श्री कृष्ण। ये ऐसे पौधे बनाते हैं हम डिमांड के हिसाब से, पहले तो पूरी नहीं कर पा रहे थे पर अब धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं। ये देसी पौधा लेते हैं, ये जो बिज्जू पौधा होता है देसी पौधा, इसको हम जो सदाबहार, ये सदाबहार का आम का पौधा है, इसके साथ इसको ये साइड ग्राफ्टिंग बोलते हैं, इसको कटिंग करके ऐसे दोनों को काट के ऐसे जोड़ दिया जाता है। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इसको यहाँ से अलग कर लिया जाएगा, ये कट लगा दिया हमने यहाँ से, इसको यहाँ से कट अलग कर देंगे तो इस पर दो हेड हो जाएंगे, दो सिर हो जाएंगे, एक तो ये देसी वाला था ही और एक ये सदाबहार का आ जाएगा। तो फिर इसको देसी वाले को काट देंगे, सदाबहार आ जाएगा, तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो देसी पौधे का होगा, ऊपर सदाबहार रहेगा, जो गुण दिखाएगा सदाबहार वाला दिखाएगा, नीचे वाला जो है पोषक तत्व लेगा और इसको स्टैंड रखेगा, ये काम करता है। तो हाड़ौती के जो किसान हैं उन्होंने अपने आप में एक बड़ा काम किया है, बड़ा कमाल किया है। छोटी सी जगह में इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर आम की जो है एक अलग तरह की किस्म जिसको सदाबहार नाम दिया गया है, 12 महीने जो है जिसमें फल आते हैं और किसानों के लिए आय दुगनी करने की भी ये बात कह रहे हैं कि अगर इनको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाए तो इनकी जो कॉस्टिंग है पौधे तैयार करने की वो कम हो जाएगी और वो दूसरे किसानों को भी पौधे दे सकेंगे। तो श्री कृष्ण जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि जो युवा किसान हैं, जो नए किसान हैं, जो नया कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, वो कैसे करें अपना इस जी खेती में जो है बहुत स्कोप है। हमने देखो एक नया प्रयोग भी किया है, तो किसान भाई चाहें तो खेती में नए नए प्रयोग करके और बहुत कुछ काम किया जा सकता है। अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इसमें ये एक ही पौधा है, ये देसी पौधा एक ही था, इस पर जो टेनें निकली उस पर हमने अलग अलग यहाँ से दूसरी ग्राफ्टिंग कर दी, तो इस पर अलग तरह के फल आएंगे, इस पर अलग तरह के फल आएंगे। ये देखो ना, आप देख ही रहे हैं, ये पौधा ये देसी पौधा है, इस पर देखो अलग तरह का फल आ गया। ये दिखाओ सर, ये देखो, इसमें हमने एक ही पौधे पर पाँच तरह के फल मिलेंगे। इस पर ब्लैक स्टोन हो गया, ये आपूस हो गया, इधर ये मल्लिका हो गया, मल्लिका ये देखो इतना अच्छा फल आ रही है, ये फल देना शुरू कर दिया, वो आ रहा इधर फल, ये रहा फल, ये पिछले साल ग्राफ्टिंग की थी, ये फल आना शुरू हो गया इस पर, ये सदाबहार है, सदाबहार पे अब आएगा इस पर फल। ऐसे करके इस पर 5-6 वेराइटी हमने ग्राफ्टिंग कर रखी है, सभी पे अलग अलग फल आएंगे। ये नया प्रयोग है हमारा, ये काला मत है, ब्लैक स्टोन बोलते हैं इसको। और ये एरिया जो है कितने एरिया में आपने कितने पौधे लगा रखे हैं? मेरे पास जमीन की बहुत कमी है, ये एक बीघा एरिया मेरे पास, इसी पे मैं काम कर रहा हूँ और इसी पे प्रयोग करता हूँ, इसी से पौधे बेच के आगे जीवन यापन कर रहा हूँ। और क्या मन में है नया, और कुछ नया आविष्कार, नया कुछ किस्म तैयार करने की है? इसमें आम पे तो काम कर ही रहा हूँ मैं, इसको और लोगों के लिए सुलभ और सस्ता हो ऐसा मैं इस पर चाह रहा हूँ, और एक कटहल पे काम करना चाहता हूँ मैं। कटहल जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा पौधा है, फल है, और किसान उसको लगाना बहुत कम कर दिया, किसानों ने इसलिए कम कर दिया, उस पर फल लेट आता है, तो किसानों का रुझान धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कटहल में भी ऐसा काम करूँ मैं तो उसमें भी बार बार फल आए और जल्दी फल आए, तो किसान उसको लगाएँ और अच्छी इनकम प्राप्त करें।
तो सरकार से आपका कहना है कि सरकार जो है कुछ मदद करे, और ताकि ये जो आपका आपने जो नई किस्म तैयार की है सदाबहार आम की, वो उसको प्रमोट किया जा सके, नए किसानों को फ़ायदा मिल सके। तो ये जो अब आम जो है बड़े साइज के नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये पौधे जो हैं जी, 2,70,000 रुपये बिकने वाला फल भी लगा हुआ इसमें, पौधे लगे हुए उसके भी, तो ये हमारा प्रयोगशाला है जिससे हम ये तो आम के ही हैं पौधे, तो पर वो वैरायटी के हिसाब से आम की वैरायटी की बात करें तो जापानी वैरायटी है ताइना तमेगो, उस पर ऐसा फल आता है जो बहुत न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, और उसका वहाँ जो ऑप्शन होता है उसमें 2,70,000 रुपये किलो तक बिका है वो आम, वो भी इसमें लगा हुआ है हमारे, तो वो उसकी भी जो है वो पौधा भी यहाँ पे अच्छा फल फूल रहा है, फल फूल रहा है वो यहाँ के क्लाइमेट में अच्छा बिल्कुल चल रहा है। ये तो सदाबहार है, वो तो अंदर है सर, वो भी देखना चाहें तो दिखा दूंगा, लाल कलर का फल होता है और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसकी, तो शारीरिक रूप से पौष्टिक और नई किस्म और कोटा के लिहाज से हाड़ौती के लिहाज से दुनिया भर में पहचाने जाने वाला सदाबहार आम जो है वो कोटा के किसान ने जो है उसकी किस्म तैयार की है, और ये पूरी दुनिया भर में जो है अब इसको पसंद किया जा रहा है। ये वही है सदाबहार, ये नहीं है, ये वाला ही है। जब आपने ये किया था, जब आपको पहली बार लगा कि हाँ ये प्रयोग सफल हो गया, तो शुरुआत में किस तरह की उम्मीद थी आपको कि फल का साइज क्या होगा, किस तरह का वो रहेगा? वो तो हमने इसको प्रयोग कर करके देखा, इसको अलग अलग तरह के खाद दे के देखा, कब कौन सा खाद लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फल कम ज़्यादा लेके देखा, कम फल लेंगे तो फल की साइज़ बढ़ जाएगी, इसमें बंच में आते हैं फल, गुच्छों में लगते हैं इसमें फल, तो अगर फल का गुच्छा कम कर देंगे तो फल की साइज़ बढ़ जाएगी, 400 ग्राम तक हो जाती है, वैसे इसका जो फल का साइज है 200 ग्राम से 450 ग्राम तक हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी का ये छोटा सा फार्म हाउस है, लेकिन जमीन की कमी जरूर है, और बहुत कुछ किसानों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो कुदरत का ये नायाब तोहफा, और उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया और उस पर जो है आविष्कार किया गया, मेहनत की गई, और सदाबहार आम जो है अब दुनिया के लिए देशवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है, सबकी पसंद बन रहा है, पौष्टिकता के साथ साथ इस आम की जो क्वालिटी है वो भी सभी को पसंद आ रही है। लेकिन जो किसान है श्री कृष्ण जी, उनका कहना है कि सरकार अगर मदद दे दे तो जो किसानों की आय दुगनी करने वाली जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं, वो बात इस आम की खेती में सार्थक साबित हो सकती है, क्योंकि फिर इनकी पौधे का जो दाम है वो कम हो जाएगा, और फिलहाल जो है अमेरिका से लेकर तमाम देशों में ये पौधे जा रहे हैं, पाकिस्तान में अगर इस आम को का स्वाद लेना है पाकिस्तान वालों को, तो उस आम के स्वाद के लिए देश के जो संबंध हैं उसको जो है पहले बेहतर बनाने होंगे। पाकिस्तान से भी इनके पास ऑर्डर आया था, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पहले रिश्तों में मिठास होगी, उसके बाद ही सदाबहार आम की मिठास पाकिस्तान वाले ले सकेंगे। तो NDTV के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हमने किसान जो हैं श्री कृष्ण जी, उनके बारे में बताया, और भी कुछ कहना चाहते हैं? जी बताएं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो जो सदाबहार की जो पॉपुलरिटी है, इसको देख के लोगों को मतलब इस सदाबहार आम दे रखा है, उसमें उनके नंबर दे रखे हैं, हमसे संपर्क करो, जबकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इसका रजिस्ट्रेशन पेटेंट है, पर वो लोग देसी पौधा किसानों को दे रहे हैं। जब 5 साल बाद किसानों को वो पौधा मिला ही नहीं, देसी पौधा है वो, तो उस पर जब फल आएंगे तो ऐसा आएंगे जो उसको काट के फेंकना पड़ेगा, तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं किसान भाइयों से, या जो सदाबहार आम ओरिजिनल चाहते हैं वो मेरे से संपर्क करें, दूसरी जगह से लेंगे तो फ्रॉड है, उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो सदाबहार आम को सभी लोग मतलब इसको पॉपुलरिटी के हिसाब से सब बेच रहे हैं, पर वो सदाबहार नहीं है, वास्तव में वो सदाबहार नहीं है। तो इसका किसान भाई थोड़ा ध्यान रखें और सोच समझ के इसको लें। तो श्री कृष्ण जी जो है लोगों से अपील भी कर रहे हैं, किसानों से, कि सदाबहार आम जो है वो पेटेंट जो है, जो इन्होंने पेटेंट किया है, वही आम खरीदें। ये देखिए आप, ये सदाबहार आम है, और ये आम जो है इसकी खूबसूरती, इसकी पौष्टिकता, इसका तमाम चीज़ें जो है वो दिखा रही हैं कि कोटा में जो आविष्कार किया गया, जो किस्म तैयार की गई, वो देश और दुनिया वालों के लिए, किसानों के लिए एक नज़ीर बन रही है। उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरह से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इसमें पहल करे, सरकार एक कदम आगे बढ़े,
तो ये किसानों के लिए अच्छे जो है आय कमाने के लिए, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। किसान की मेहनत और देश के लिए कुछ करने के जज्बे को हर किसी ने सलाम किया है। सरकार की मदद से इस नई किस्म को आम किसानों तक भी पहुंचाया जा सकता है, ऐसा किसान का मानना है। एनडीटीवी के लिए शाकिर अली की खास रिपोर्ट।